नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। आज हम बातचीत करने वाले हैं द कश्मीर फाइल फिल्म, साथ ही साथ बिहार दिवस मनाया जा रहा है उसके उपलक्ष में, और आजकल जो संसद का सत्र चल रहा है उस पर कई तरह की मांग सांसदों द्वारा की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त जदयू सांसद दिनेश चंद्र यादव जी हैं, जो मधेपुरा लोकसभा से सांसद हैं। बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो ये मुद्दा है कश्मीर फाइल फिल्म का, लगातार आप देखेंगे विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही है और सरकार हर जगह इसे टैक्स फ्री करने की मांग कर रही है। दिल्ली में भी हंगामा हुआ, बिहार की भी बात है, आप देखेंगे कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसे में जदयू क्या मानती है इस फिल्म का? क्या कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार जिस तरह से दिखाया गया है वो सही मान रहे हैं आप लोग? देखिए, सच्चाई है कि इस फिल्म को अभी हम देखे नहीं हैं और राज्य सरकार भी टैक्स फ्री उसको किया है, तो जब तक उस फिल्म को नहीं देखें तो उस पर तो कुछ कहना उचित नहीं है। वैसे कुछ ना कुछ बात तो उसमें रही होगी जिसके चलते हाइतबा हो रहा सभी स्तर पर, तो हम जब देखेंगे तब हम इस पर कुछ बता सकते हैं। बिल्कुल, चलिए, अच्छी बात है। मैं आगे चलूँगा। बिहार दिवस मन रहा है पूरे बिहार में और बड़े ही धूमधाम से सीएम नीतीश कुमार ने विधिवत रूप से 110वां बिहार दिवस समारोह का उद्घाटन किया। 500 ड्रोन गांधी मैदान में उसकी कवरेज हो रही है। ये जो बिहार की धरोहर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, सिर्फ बिहार में ही नहीं, अन्य जगहों पर भी जो बिहार के लोग रह रहे हैं वो भी अपने अपने तरीके से तमाम संस्थाओं के जरिए सब काम कर रहे हैं कि भाई बिहार का नाम बढ़े, लेकिन आज भी बिहार की कई विफलताएं हैं। मैं उस पर भी प्रकाश डालूंगा, लेकिन सबसे पहले बिहार दिवस पर आप क्या बोलेंगे? बिहार दिवस तो हो ही रहा है और जो बिहारवासी हैं तो वो तो चाहते हैं कि हमारे राज्य में उन्नति हुई, तरक्की हुई, तो उसको भी इसी माध्यम से लोगों के बीच में जाना है। और जानकारी हो गए, पटना में माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन किए और बहुत ढेर सारी बात की जानकारी इन्होंने राज्य की जनता को दी। उसी तरह से दिल्ली में भी बिहार दिवस मनाया जा रहा है, संबंधित विभाग के मंत्री जी वगैरह आए हुए हैं, तो या तो बिहार की अस्मिता का स्तर किस तरह से बढ़ता है इसकी जानकारी लोगों में दी जाती है। और हर्ष के साथ हम लोग चूँकि बिहार के हैं तो बिहार दिवस सभी लोग मिलकर उसको मनाते हैं। बिल्कुल, 1912 में स्थापना हुई थी, दर्शकों को ये भी बता देंगे, और उस समय अंग्रेजों ने स्थापना की थी जब बंगाल से अलग किया गया था। सर, एक सवाल मेरा आपसे और है और ये सवाल काफ़ी अहम है, खासकर कोसी और आपके लोकसभा क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए। मैंने देखा सदन में आपने बड़े जोर शोर से मांग उठाई, पूरे सदन पटल पर रखा कि मधेपुरा की जो समस्या है, सहरसा की जो समस्या है और आसपास के क्षेत्रों की जो समस्या है उन समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाए। सड़क निर्माण कार्य काफी धीमी गति में चल रहा है। इसके साथ ही आपने कहा कि केंद्रीय विद्यालय नहीं है हमारे यहाँ, तो मूलभूत समस्याओं पर तो आप ध्यान दे रहे हैं लगातार। आपने जिस तरह से पटल पर रखा है, सदन पटल पर, आगे और भी चूंकि सदन चल ही रहा है तो फिर मौका मिलेगा, तो आगामी चीजों को किन चीजों पर आवाज उठाई जाएगी, किन चीजों की मांग की जाएगी और किस तरह से दिनेश यादव जी जो बोलने के लिए जाने जाते हैं वो मधेपुरा लोकसभा के लोगों को एक बड़ी सौगात देने का काम करने वाले? नहीं, बजट भाषण जो था उसमें सिर्फ मधेपुरा, सहरसा या कोसी का उल्लेख ही नहीं था, बल्कि उसी में था कि राज्य स्तर पर हमको जो सहायता मिलनी चाहिए, जैसे रेल के मामले में भी जितनी ऑन गोइंग योजना चल रही है उसको पूरा करने के लिए जितनी राशि मिलनी चाहिए वह राशि नहीं मिल पा रहा है। सड़क के मामले में भी वही है, प्रधानमंत्री सड़क योजना फिलहाल निर्णय लोग यहाँ कर रहे हैं कि उसको बंद करेंगे, और उसके अलावा जो प्रधानमंत्री सहायता योजना में पहले होता था कि 100% राशि भारत सरकार देती थी, लेकिन अब नई व्यवस्था बन गई, उसमें 60-40 के रेशियो में लोग शेयर देते हैं, तब 40% तो राज्य सरकार को भी देना पड़ता है। तो राज्य के लोग या जनप्रतिनिधि हम लोग यह जरूर चाहते हैं कि जो सड़क आपने बनाई उसका मजबूती से फिर से उसका मजबूतीकरण हो, सड़क की चौड़ाई बढ़े कि आबादी जिसमें बनता है, ट्रैफिक कम था लेकिन ट्रैफिक जब बन गया तो उसी अनुरूप आप बनाइएगा मजबूत, तब ना उस सड़क की उपयोगिता होगी, लेकिन वैसा नहीं किया जा रहा है। हम तो कई दर्जनों सांसद के साथ अपने यहाँ के बिहार के ही मंत्री हैं गिरिराज बाबू से मिले थे, लेकिन खुशी हुई थी, लेकिन उसमें एक भी
बात जो हम लोग का सुझाव था उसको इंटरटेनमेंट भारत सरकार द्वारा नहीं किया गया, तो ये सब भी सवाल उठाते हैं। फिर बाढ़ का सवाल है, कोसी नदी से तबाही बर्बादी का सवाल है, और कई जगह जो आवश्यकता है जैसे बिदुपुर से पूर्णिया तक सिमरी बख्तियारपुर उदा किशनगंज के रास्ते एक फोर लेन सड़क बने, तो उसके लिए भी हम लोग विभागीय मंत्री से मिले और उनसे भी आग्रह किया, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट सामने उस तरह से नहीं आया। विभाग में कहा जाता है कि हम सर्वे उसका करवा रहे तो हम जब सांसद हैं या बिहार के जो भी सांसद साथी हैं तो हम लोग तो चाहते हैं कि बिहार को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत हो, वहाँ के लोगों को लाभ मिले, इसलिए लोकसभा तो एक प्लेटफॉर्म है और देश का सबसे बड़ा पंचायत है, इस पर कोई बात उठती है तो उसको संज्ञान में भी लिया जाता है मंत्रालय द्वारा, फिर सूचना दी जाती है कि इसमें हम कर दिए या क्या कठिनाई है, नहीं कर पा रहे हैं या कुछ दिन के बाद करेंगे, पूरा आकलन निकाला जाता है और उस आकलन के आधार पर अगर लगता है कि सारी चीज़ें सही है तो उस तरह से व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से चलाई जाती हैं। एक सवाल मेरा आपसे और है, चुनावी दौर भी है, MLC चुनाव चल रहा है सर, ऐसे में क्या उम्मीद कर रहे हैं? नहीं नहीं, MLC का तो चुनाव हो रहा है, कोई नया तो नहीं हो रहा है, 6 वर्ष पर होना था वही चुनाव अब इस समय भी हो रहा है, और हम लोग के इलाके से कई पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया है, तो NDA से भी उम्मीदवार हैं, पर्यावरण मंत्री जी की पत्नी है, तो NDA वाले तो NDA में लगे हुए हैं, RJD वाले उसमें लगे हुए हैं, या जो दूसरा भी दल होगा छोटा यदि वह उम्मीदवार खड़ा किया तो उसमें भी लगा हुआ, लेकिन उस इलाके में NDA की जीत अभी बिल्कुल तो नहीं कहा जाएगा पक्की, लेकिन जीत होगी यह विश्वास जरूर है। बिल्कुल सर, सहरसा मधेपुरा की प्रशासनिक व्यवस्था पर भी मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, जिस तरह से एक्टिव दिखते हैं खासतौर पर सहरसा के जिलाधिकारी और वहाँ के SP, मधेपुरा के जिलाधिकारी और वहाँ के SP, जो व्यवस्था है आप देखेंगे कि सोशल मीडिया के जरिए वो अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि आज हमने यहाँ का दौरा किया है, इन क्षेत्रों का दौरा किया है, ऐसे अधिकारी और वर्तमान में जो है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से और बृहद तादाद पर वो चाहे क्राइम हो, भ्रष्टाचार हो, इन सब मसले पर सख्त एक्शन लें? देखिए, हम लोग को तो राजनीति में आए हुए बहुत दिन हो गया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के शासन से पहले इस तरह की कोई व्यवस्था थी ही नहीं, सरकार के स्तर पर भी उसको निर्देश नहीं दिया जा सकता था कि आप जाइए रात किसी गांव में बिताइए, लेकिन इस समय जो है पदाधिकारी सजग हैं, उनको लोगों के बीच हेडक्वार्टर छोड़ के भी जाना पड़ता है, तो जब जाते हैं तो बहुत सारी समस्या उन लोग के सामने में भी आती है, जनता को सुनते हैं सीधे, उसका भी निराकरण करते हैं, इसीलिए उस इलाके में जितने पदाधिकारी हैं सब काम करने वाले हैं और विकास पर नज़र है, विकास के अलावा भी DM वगैरह को बहुत कुछ करना पड़ता है, तो हमको तो लगता है कि सब ठीक ठाक चल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी, आपने अपना कीमती समय दिया और इस समय जब आपको निकलना है सदन के लिए। हमारे साथ दिनेश चंद्र यादव जी, मधेपुरा लोकसभा के जदयू सांसद उपस्थित थे और स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि बिहार के विकास की जहां बात होगी हम सदन के पटल पर अपनी बातों को रखेंगे, भले ही जाँच की जाएगी उसकी और उसके बाद जो कोसी वासियों को, खासकर बिहार वासियों को सौगात मिलनी चाहिए वो तो सदन का पक्ष है, किस तरह से उन मसलों पर एक्शन लिया जाता है ये तो आने वाला समय बताएगा। बने रहिए हमारे साथ, देश दुनिया सहित दिल्ली NCR की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ मैं अभिषेक कुमार।